इन दिनों राज्य के लगभग हर जिले में ये देखा जा रहा है कि गैर मजरूआ भूमि रैयती भूमि के साथ साथ कमजोर तबके के लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा काफी तेजी से जारी है। ये कार्य सरकारी कर्मी और भू माफियाओं के गठजोड़ से हो रहा है। रिकॉर्ड रूम में रखे रजिस्टर से छेड़छाड़, रजिस्टर से पेज का फाड़ा जाना इस बात का प्रमाण है कि जमीन लूट के इस गोरख धंधे में सरकारी कर्मियों की संलिप्तता जमीन दलालों के साथ है। सरकारी कर्मी अपनी ऊपरी कमाई के लिए गैर संवैधानिक कार्यों में संलिप्त हैं। तो 1932 के खतियान जमीन से न बनी हो कि बाद में बनी बिना जमीन के, जमीन से बनी थी, जमीन को बचाना होगा। ताजा मामला है पलामू जिला पांकी प्रखंड अंतर्गत पुरुषोत्तमपुर मौजा का। इस मौजा के खतियानी जमीन जिसका खाता नंबर 146, प्लॉट नंबर 1082, 1253, कुल रकबा 15 एकड़ खतियान में शमशान दर्ज है। इस जमीन में आदिवासियों का शमशान स्थल, सरना स्थल, हड़गड़ी स्थल और गांव का एकमात्र खेल का मैदान है। इस 15 एकड़ जमीन में से 4 एकड़ जमीन पुरुषोत्तमपुर गांव में ही रहने वाले संभ्रांत परिवार जिनके पास में पूर्व से ही रैयती जमीन मौजूद है उसने अपने नाम से बंदोबस्त करवा लिया है। बंदोबस्त करवाने वालों में मालती देवी पति कैलाश महतो, रजमनिया देवी पति सुरेश महतो, पारो देवी पति नरेश महतो शामिल हैं। वहीं पुरुषोत्तमपुर मौजा के ही खाता नंबर 180, प्लॉट नंबर 1485, कुल रकबा 10 एकड़ 90 डिसमिल जमीन खतियान में गैर मजरूआ मालिक जंगल झाड़ दर्ज है। जो गांव का सामुदायिक जमीन है इस पर गांव वाले अपने पशुओं को चराते हैं। इस 10 एकड़ 90 डिसमिल सामुदायिक जमीन में से भी 4 एकड़ 85 डिसमिल जमीन अंचल कर्मियों से मिलीभगत कर गांव के ही कैलाश महतो पिता भाखर महतो, सुरेश महतो पिता पति महतो, दिनेश महतो पिता पति महतो ने अपने नाम से बंदोबस्त करवा लिया है। कुछ माह पूर्व तक गांव वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उपरोक्त जमीन की बंदोबस्ती कुछ लोगों ने अपने नाम से करवा लिया है, लेकिन मनरेगा योजना से जब खेल के मैदान का समतलीकरण करवाया जा रहा था तभी बंदोबस्ती करवाने वाले आरोपियों ने मैदान समतलीकरण का विरोध किया और उनके नाम से बंदोबस्त किए जाने का कागजात गांव वालों को दिखाया। पुरुषोत्तमपुर गांव के ग्रामीणों को जब इस बात की जानकारी मिली कि उपरोक्त दोनों ही खाता से कुल 8 एकड़ 85 डिसमिल जमीन का षड्यंत्र कर पैसे के बल पर अवैध बंदोबस्ती करवा लिया गया है, तब ग्रामीणों ने स्थानीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ जिले के उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी को बंदोबस्ती रद्द करने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपा। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी इस मामले में अधिकारियों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुरुषोत्तमपुर गांव है, पुरुषोत्तमपुर में नदी किनारे हम लोग को श्मशान घाट है, प्लस सरना स्थल है और बच्चों को खेलने के लिए इसी में फील्ड है। ठीक है। अब आज से नहीं, कई पुस्त मने यहाँ पर गुजर चुके हैं, दादा परदादा तो जितने भी है सब यहाँ गुजर चुके हैं और हम लोग वही जो पहले था वही आज तक है। चरागाह भी है और नदी किनारे है तो बरसात के दिनों में नदी में पानी बारिश हो जाती है तो बाढ़ चली आती है तो सारा गांव का मवेशी यहीं पर मैंने कहिए ठहराव एक है, यही है सर। वर्तमान में विवाद कहाँ पर है? विवाद यही क्षेत्र में है, इसमें है और उसमें भी है, दोनों में है। तो यहाँ पर जैसा देख रहे हम लोग, आप लोग का सरना स्थल है, हड़गड़ी है, सब कुछ यहाँ पर है। हाँ सर। अभी जो जानकारी मिल रही है कि गलत तरीके से ये बंदोबस्ती कोई दूसरे समुदाय के लोग जो है वो करवा लिए हैं। हाँ, कुछ दिन पहले हम लोग जैसे नरेगा से फील्ड समतली के लिए हम लोग दरखास्त दिए हुए थे जी, और उस दरखास्त में वो पास भी हो गया था और जब उस काम को जब हम कराने के लिए यहाँ गांव घर के बच्चे लोग जो देखिए वहाँ थोड़ा सा मट्टी भी भरा हुआ है जी, और उसके बाद हम लोग को पता चला कि हम ये जमीन को करवाए हैं। अच्छा, बंदोबस्ती करवाए। हाँ, बंदोबस्ती करवाए हैं। तब से हम लोग भाई लगे कि भाई इसका कागज पत्र देखा जाए कहाँ कैसे कैसे है। अच्छा। तो हम लोग सबसे पहले खतियान त्यान में देखे तो खतियान में लिखा हुआ है कि मड़गड़ी श्मशान घाट के नाम पर 15 एकड़ कुछ डिसमिल है। अच्छा, जमीन है। ठीक है, मतलब ये खतियान में है। खतियान में है।
और इसको भी मतलब जिस जमीन का बंदोबस्ती हो ही नहीं सकता उसको भी वो लोग बंदोबस्त करवा दिया है। बंदोबस्त करवा दिया है। उस समय सीओ कौन थे, कोई जानकारी है आप लोग को? सीओ सर तो उन लोग तो करवाया है, 86 में करवाया है सर। जी जी। तो हम लोग को तो भाई पता नहीं। अच्छा, तो इस मामले को लेकर आप लोग कभी जिलाधिकारी या अंचलाधिकारी से मिले हैं? हाँ, सबसे पहले हम इस बात को प्रखंड अरे बीडीओ नहीं नहीं अंचल अधिकारी को मैंने एक दरखास्त लिख करके दिया। उसमें एप्लीकेशन दिए, उसमें मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद का सिग्नेचर करा करके हम लोग दिए उनको। अच्छा। तो बोले कि ठीक है, हम इंक्वायरी करवाएंगे। अच्छा। तो कुछ दिन हम आशा देखे, एक महीना डेढ़ महीना हम आशा देखे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इसके बाद फिर जिला परिषद उप जिला जो उप प्रमुख थे ना, उप प्रमुख से जा करके फिर हम उनसे मिले, तो बात की है। तो इसके बाद वो कर्मचारी को भेजे। अच्छा। कर्मचारी आए तो गोल मटोल ऐसे, आप जो बंदोबस्त करवाया है पहले का आप कागजात दीजिए। तो हम कागजात कहाँ से दे पाएंगे सर? तो हम लोग तो कागजात तो नहीं दे पाए, कहाँ से दे पाएंगे? तो उनका कहना था कि जो पहले करवाया है उसका कागजात आप दिखाइए। तो हमारे पास है कि हम दिखाएं। तो भाई हम तो बोले कि भाई तो हमारे पास तो कागजात नहीं है, तभी कैसे होगा आखिर, क्यों चल दिए। उस समय भी पूरा जनता लोग इकट्ठा था। सवाल ये है कि ये खतियानी जमीन है, खतियान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि ये शमशान घाट है। हाँ। तो अब तो जो आदमी बंदोबस्त करवाया है, हाँ, ये कर्मचारी को, तो उससे मांगना चाहिए। हाँ। कि बंदोबस्त का पेपर आप दिखाइए, कैसे तुम करवाए। हाँ, तो उससे वो मिला था? वो पता नहीं सर, उससे तो उन लोग तो था, उन लोग के साथ थे। तो मिली भगत होगा सर। हाँ। आप लोग के पास खतियान के अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे पट्टा वगैरह आप लोग को मिला है समुदाय को? सब वैसा कुछ भी नहीं, सिर्फ खतियान के आधार पर आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब असली बात शमशान घाट है सर, तो उसमें पट्टा क्या मिलेगा? पट्टा तो मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। ये जो बाउंड्री वगैरह किया हुआ, ये आप लोग कब करवाए हैं? ये 17-18 में। ये किसी योजना से हुआ है? ये कल्याण विभाग से। कल्याण विभाग से हुआ है 17-18 में। अच्छा, और ये बंदोबस्ती कब करवा लिया था उस जमीन का? ये बंदोबस्ती आपको तो 87-88 में ही बंदोबस्ती करवा चुका था। आज लगभग 33-34 बरस हो रहा है। अच्छा, जब चूंकि ये बंदोबस्ती मान के चलिए कि वो पहले करवा लिया। हाँ। लेकिन जब आप लोग यहाँ निर्माण कार्य करवा रहे थे, तो उस दौरान ये लोग कुछ विरोध किया था? नहीं, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। कोई विरोध नहीं। क्या मनसा हो सकता है आप लोग को, क्या लगता है क्या मनसा? ऐसा क्या हड़पने का ख्याल होगा? जमीन तो हड़पने का ख्याल है सर।